जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात्रि 9 बजे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ जाते समय नपानिया के पास विराट होटल के समीप एक बोलेरो की अज्ञात वाहन से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बोलेरो में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर बांसवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची एवं ग्रामीणों की सहायता के घायलों को इलाज हेतु उदयपुर भेजा गया तथा मृतक के शव को बोलेरो से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सावलिया जी मंडफिया के मोर्चरी में रखा गया। बांसवाड़ा पुलिस के मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कराकर सर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो ड्राइवर नानू राम ने बताया कि डूंगरपुर से बुधवार को सज्जनगढ़ के पास लाडनू किसी कार्य से पूंजीलाल राजेश एवं एक अन्य साथ लाडनू में कार्य संपादित करने उन्हें गार्ड भी संबलापुर डूंगा जा रहे थे कि नापानिया के पास अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई। गाड़ी के एयरबैग खुलने के कारण ड्राइवर सुरक्षित बचा तथा आगे बैठ हुए पूंजीलाल के सामने भी एयरबैग खुल गया था, परंतु दुर्घटना इतनी तेज गति हुई थी कि बैग ही फट गया, जिसके कारण पूंजीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि पूंजीलाल एक प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल थे। कॉलेज के ही कार्य में लाडनू जाकर अपू ने लौट रहे थे कि दुर्घटना हो गई। विजय सिंह चौहान, गोपीलाल गाडरी सहित कई ग्रामीणों ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों का सहयोग कर इलाज हेतु भेजा।